हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों के पास 5 रुपए का कॉपर निकल स्मारक और डेफिनेटिव सिक्का रहता है। ये सिक्काओं में दोस्तों पर्टिकुलरली कुछ एज वेराइटीज आता है, वो एज वेराइटीज बहुत कम आता है। और ये दो टाइप का एज वेराइटीज आता है, मैं थंबनेल पे दिखा रहा हूँ, उसमें से एक पर्टिकुलर एज वेराइटी ज्यादा रेयर है। और क्या क्या सिक्काओं में ऐसा एज वेराइटीज आया तो वो सिक्का रेयर है, और कुछ सिक्कों में ऐसा एज वेराइटी आया तो वो सिक्के का वैल्यू एस्टिमेट 3,000 रुपये तक पहुंच जाता है। ऐसा सिक्का क्या क्या है और बहुत कुछ हमारा व्यूअर्स का सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो किया हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो है ये। हमारा चैनल कूल कंटेंट बॉक्स किससे सिक्का और करेंसी नोट्स खरीदता नहीं, बेचता नहीं। अगर कोई हमारा चैनल नाम पे आप लोगों से किसी माध्यम से भी कॉन्टेक्ट करके आप लोगों से आपका पर्सनल जानकारी या फिर आपका पैसा पूछा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। इतना कहने पर ना सुन के देने से आप ही जिम्मेदार है दोस्तों। दोस्तों, हमारा चैनल वीडियो पहली बार देख रहा तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के स्टार्ट कीजिए। हम में से बहुत लोगों के पास 5 रुपए का कॉपर निकल सिक्का रहता है। मैक्सिमम कॉपर निकल 5 रुपए, वो डेफिनेटिव सिक्का हो या कमेमोरेटिव सिक्का हो, सारा वेराइटीज मतलब कॉपर निकल में आया सारा वेराइटीज ऑलमोस्ट ऐसा सिक्योरिटी एज से आता है। ये एक साधारण नमूना है, मतलब ये एज से आया तो वो एक कॉमन सिक्का होता है। क्योंकि कभी कुछ खास सिक्काओं का जानकारी जानने के लिए पहले रेगुलर सिक्का कैसे रहता है ये जानना बहुत जरूरत होता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं नमूना नंबर 1 दिखा रहा हूँ। ये सिक्का देखिए, ये हमको 1994 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया 5 रुपये डेफिनेटिव सिक्का है। ये सिक्का में हम एज देखने से दिखाता हूँ, ये सिक्का में एज हम देखने से मिल्ड एज आया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। एज ये सिक्योरिटी एज नहीं, ऐसा एज वेराइटी आता है। नॉर्मल एज जोड़ के ऐसा दो टाइप का एज आता है। नंबर 1 एक मिल्ड एज आया, नमूना 1 दिखाया हूँ। अब मैं आप लोगों को नमूना नंबर 2 दिखाता हूँ। ये दोनों वेराइटीज हमको कॉपर निकल 5 रुपए सिक्का में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये सिक्का हम देखने से 2001 में हमको हैदराबाद मिंट से जारी किया गया डेफिनेटिव सिक्का है। ये सिक्का का एज हम देखने से ज्यादा तक हमको प्लेन एज जैसा रहता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लाइन्स हमको नजर आता रहता है। मतलब ये सिक्का 85% प्लेन एज से आया दोस्तों। ऐसा हमको दो वेराइटीज रहता है। ये दोनों वेराइटीज एरर के लिए एरर कैटेगरी में आता है, पर मेरा नॉलेज से 5 रुपए कॉपर निकल सिक्काओं में हमको प्लेन एज से आया सिक्का ज्यादा रेयर माना जाता है। क्योंकि मिल्ड एज भी कभी कभी आता है, पर प्लेन एज से आया सिक्का बहुत कम मिलता है। क्योंकि मैंने बहुत एज वेराइटीज कलेक्ट किया हुआ अलग अलग टाइप्स का, और ऐसा एज वेराइटीज हमको कॉमन सिक्का में आया तो एक टाइप का वैल्यू एस्टिमेट रहता है, स्केयर रेयर सिक्का में आया तो एक टाइप का वैल्यू एस्टिमेट रहता है। वो कैसे रहता है अब मैं 3-4 नमूना दिखा के मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, ये और एक नमूना मैं दिखा रहा हूं, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया 5 रुपए सिक्का है। इस पर भी हमको एज वेराइटी आता है। ये सिक्का हमको वेव सिक्का कहता है। ये सिक्का मैक्सिमम हमको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में आया 5 रुपए सिक्का, सबकी सब हमको सिक्योरिटी से आता है। ये सिक्का हम देखने से प्लेन एज से आया दोस्तों, ध्यान से देखिए। ऐसा हमको 5 रुपए का कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील, ये दोनों सिक्काओं में हमको एज वेराइटीज आता है। और ये एज वेराइटीज का वैल्यू एस्टिमेट्स कैसे रहता है वो हमको उस सिक्का का ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, 2004 में हमको कोलकाता मिंट से आया ये 5 रुपए सिक्का में एज वेराइटी आया, तो मतलब ये सिक्का एक स्केर्स कैटेगरी है वर्तमान। ये सिक्का में हमको प्लेन एज या फिर मिल्ड एज आया तो, फॉर एग्जाम्पल मिल्ड एज आया तो ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट चले जाता है 300 से 400 रुपए तक रहता है। अगर प्लेन एज से आया तो 500 रुपए तक भी चले जाता है दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में। तो क्योंकि सिक्कों का वैल्यू एस्टिमेट वो सिक्का का टाइप पे डिपेंड करता है, स्केयर कैटेगरी में आया, रेयर में आया, एक्सट्रीमली रेयर में आया ऐसा। अब देखिए, ये नमूना नंबर 2, ये भी सेम ईयर 2004 में हमको हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये सिक्का हमको वर्तमान रेयर कैटेगरी में आता है। अगर ये सिक्का में आप लोगों को
मिल्ड एज या फिर प्लेन एज का सिक्का मिला तो वो सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट हमको 1200 से 1700 रुपए तक रहता है, क्योंकि ये सिक्का एक रेयर कैटेगरी सिक्का है, इसलिए ऑटोमेटिकली एरर का वैल्यू भी बढ़ जाता है। और थर्ड नमूना रहता है दोस्तों, वो इन दोनों से बहुत कीमती है, वो सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट हमको 3000 से ज्यादा भी रहता है, क्योंकि 1999 में हमको बॉम्बे मिल से बड़ा लाइन टाइप वैरायटी से आया सिक्का हमको डाई वैरायटी माना जाता है। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में ऑक्शन में 3000 तक पहुंच गया दोस्तों, मैं खुद ही देखा हूँ। अगर ये रेयर सिक्का में हमको 1999 ईयर में बॉम्बे मिल से आया ये टाइप बड़ा लाइन डाई वैरायटी से आया सिक्का में मिल्ड एज या फिर प्लेन एज जाए तो 3000 रुपये तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। अगर कंडीशन अच्छा है तो अवेलेबिलिटी कम है तो और भी बढ़ने का संभावना रहता है भविष्य में। और नॉर्मल सिक्का में आने से हमको कम से कम 200 से 500 तक रहने का संभावना रहता है, सिक्का का ऊपर ईयर का ऊपर और सिक्का का कंडीशन पे और मिंट पे डिपेंड करता है, ऐसा रहता है ये एज वेराइटीज का।